अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो Y21T सीरीज़ की। तो ये मोबाइल हमने ख़रीदा था अब्बा जी के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसकी अनबॉक्सिंग करें, रिव्यू दें और आपको बताएं कि ये मोबाइल है कैसा। इसमें देख सकते हैं आपके ये सामान निकला है। खैर चलते हैं, एक ज़बरदस्त रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वीवो Y21T सीरीज़ में, और 4GB रैम और 128GB रोम के साथ आपके लिए ये ज़बरदस्त सेट हम करने वाले हैं अनबॉक्स। ओला सी किस बॉक्स में है क्या, जिसके आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा कि इसमें से अभी निकलने वाला है मोबाइल। तो खैर ये जो सीरीज़ है वीवो की, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है और 22 की जो है लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी, और ज़बरदस्त इसमें फीचर्स है, मोबाइल ज़बरदस्त है। खैर आपको भी दिखाते हैं कि ये मोबाइल है कैसा। अगर आपको आए पसंद तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस डब्बे में से निकला है ये, और जल्दी से करते हैं अनबॉक्स क्योंकि हमें आपको दिखाना है मोबाइल। ये मोबाइल हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था, लेकिन आप जैसे कर दिया अनबॉक्स। इट्स ओके, सो लेट्स सी। ये मोबाइल हमने लिया था अब्बा जी के लिए, जो कि हमें पड़ा था तकरीबन 36 के राउंड अबाउट पड़ा था, इतने में ही था। और ये मोबाइल हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा क्यों ना इसको ख़रीद लिया जाए। और ये देख सकते हैं वीवो Y21T सीरीज़ का ये फ़ोन ज़बरदस्त फीचर्स के साथ मेरे हाथ में आ चुका है। सो लेट्स सी इसके हैं कौन से स्मार्ट फीचर्स इसमें हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि 50 MP है बैक कैमरा, ज़बरदस्त है क्योंकि वीवो Y21 का जो है सेट उसकी है 64 MP, और वो भी ज़बरदस्त सेट है। खैर इसकी तो बात ही कुछ और है, और जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगा था फ़ोन तो हमने ख़रीदा, और आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर खरीदिए क्योंकि इसके फीचर्स बड़े ज़बरदस्त है, फ्रंट कैमरा भी ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हम मोस्टली यही करते हैं कि हम देखते हैं सबसे पहले कैमरा का रिज़ल्ट कि वो कैसा है, अगर वो अच्छा लगा तो हम जल्दी से फ़ोन ख़रीद लेते हैं और आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। फिर इसके बाकी सब फीचर्स ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह से, और इसमें जो साइड में दिया हुआ है टच सेंसर, जो कहते हैं फिंगरप्रिंट जिसको आप कहते हैं, वो भी इसकी साइड में लगा हुआ है, यहीं पे जहाँ मेरा फिंगर था वहाँ पे। खैर तो ये सेट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, और ये देख सकते हैं बहुत स्मार्ट सा फ़ोन है ये, और इसको आधे पकड़ेंगे तो लगेगा अपनी कि फ़ोन पकड़ा हुआ है आप में, इतना मतलब बिल्कुल हल्का सा सेट है, हाथ में ले सकते हैं आप। इसके साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं वीवो की जो ब्रांड है वो, इसके साथ तो मुझे नहीं लगा कि किसी और के साथ भी मिलते होंगे, इस फ़ोन के साथ बिल्कुल नहीं मिले। मेरा जो पहले वाला सेट था वीवो Y20 के साथ भी नहीं मिले थे, और उसके बाद का जो सेट था उसके साथ भी नहीं मिले थे। मुझे नहीं पता ये वीवो वाले क्यों नहीं देते सेट, और ये इसके साथ कुछ स्टिकर टाइप का था। और यह है इसका फ्लैश चार्जर जो आपके फ़ोन को तकरीबन आधे घंटे में करा देगा 100%। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कुछ भी तो ये सेट आपके पास होगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और जल्दी जल्दी से आपका फ़ोन हो जाएगा चार्ज। 33 MP जो है इसकी फ्रंट कैमरा है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेट है, और मैं रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर उसको देखिए। और माशाल्लाह से इस सेट के बाद तो हम हैप्पी हैं, अच्छा रिज़ल्ट है, कैमरा का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं आप। और खैर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे, और इसके साथ एक छोटी सी इसकी गारंटी बुक थी जो कि हमने आपको पहले दिखा दी थी, फिर उसके बारे में बताना भी ज़रूरी था ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो A to Z आपको हम सारा कुछ बता चुके हैं, बाकी जो फीचर्स हैं इसके ऑन करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सेटअप है। वीवो वाले यूज़र्स को पता होगा कि वीवो फिर मोस्टली एक जैसे ही होते हैं। खैर इसमें सिर्फ ये है कि कैमरा का है, रैम का है और रोम का है बस, और कुछ ज़्यादा फीचर्स इसमें वो नहीं है डिफरेंट। क्या हम करें कि वीवो Y20 और ये वाले जो सीरीज़ हैं वीवो की, इसमें क्या डिफरेंस है। और कैमरा का मोस्टली तो मुझे कैमरा का डिफरेंस लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 50 MP कोई कम नहीं है। खैर जिस फ़ोन से मैं अब भी रिकॉर्ड कर रही वो भी ज़बरदस्त सेट है मेरा, और माशाल्लाह से उसका रिव्यू मैं फ्यूचर में लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को पता लगे मेरे पास जो फ़ोन है उसकी कैमरा का रिज़ल्ट इतना जो अच्छा है तो क्यों है। खैर इसके साथ एक ये मिली थी सिम निकालने के लिए, आई थिंक सिम के लिए उसको जो भी कह रहे सिम इजेक्टर या कुछ, V21T सीरीज़ का
रिव्यू डब्बा डुब्बा आपको हमने दिखा दिया है। तो इसमें ये जी है इसका एक कवर, ये भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टेम्प्रेरी हैं। खुशियाँ बाँटें और खुश रहें, खुश रखें, जो कि फ्री हैं बिल्कुल विदाउट मनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।